फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बी एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो friends, वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होगा ऑप्शन है मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा सेकेंड है एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो एंड डी ऑप्शन है हमारा एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होगा तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर राइट आंसर है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिथ यानी कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट uh, है जो कि एक मिथ की तरह कंसिडर्ड की जाती है अलिकोपॉली परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपॉली या इम्परफेक्ट कंपटीशन। कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स का राइट right आंसर है बी परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन कंसीडर की जाती है एक मिट की तरह है. इसमें बताया जाता है कि सब चीज बहुत फेवरेबल होंगे जबकि प्रैक्टिकली uh, ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आपके फेवर में हो हर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग चले नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्राइसिंग मैथड तो प्राइसिंग मैथड क्या है सीजनल कॉस्ट प्लस प्रमोशनल या नॉन ऑफ दिस बताइए इसमें से जो कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है वो कौन सा है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी कॉस्ट प्लस मेथड एक प्राइसिंग मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड हैज फॉलोइंग एलिमेंट यानी डिमांड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं क्वांटिटी प्राइस टाइम या ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का राइट right आंसर है डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम मे बी डिटरमाइंड थ्रू यानी कि जो नेशनल इनकम है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाएगी इनकम अप्रोच एक्सपेंडिचर अप्रोच प्रोडक्टिव अप्रोच या ऑल ऑफ दी अबव तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ दी जिसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव तीनों आ, अप्रोच को कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन केस ऑफ यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हमारे प्रॉफिट को किस आ, केस में इंक्रीज करती है प्रॉफिट प्रॉफिट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली में या ऑलिकोपॉली में तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है सी मोनोपोली में जो हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करती है क्योंकि फ्रेंड्स मोनोपोली में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर देती है मोनोपोली इन द सेंस वो जो प्राइस रखती हैं मार्केट में उसी प्राइस पर उनका प्रोडक्ट बिक जाता है क्योंकि मोनोपोली के अंदर सेलर एक होता है बायर बहुत सारे होते हैं तो अगर सेलर एक है तो बायर को अगर वो प्राइस ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट का तब भी उसको वो प्रोडक्ट उसी से ही खरीदना होगा क्योंकि किसी और के पास वो अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज करने में बहुत हेल्प मिलती है टैक्स अथॉरिटीज आर इनटू टू मेन विंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड तो आपको बतानी है टू मेन विंग्स हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है दूसरी कौन सी है जुडिशियल है मैनेजीरियल है एग्जीक्यूटिव या क्लैरिकल है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए जो की है जुडिशियल नेक्स्ट है व्हाट आर दिन लिमिट इन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस यानी हॉस्टल एगजन एक्सपेंडिचर अलाउंस में कितनी एग्जेपन है टू हंड्रेड पर मंथ थ्री हंड्रेड पर मंथ फोर हंड्रेड पर मंथ या फाइव हंड्रेड पर मंथ तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी जो कि है 300 पर मंथ नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज यानी कि फार्म हाउस से जो इनकम हो रही है वो किस तरह की इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी जो कि है एग्रीकल्चर इनकम नेक्स्ट है इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज आर कॉल्ड यानी ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है एग्जेम्पनल इनकम कहलाती है प्रिविलेज इनकम कहलाती है एग्जामड इनकम कहलाती हैं नॉन ऑफ दी द तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी जो कि है एग्जेम्प्टेड इनकम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ यानी इनकम अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि हमारे आउटसाइड इंडिया से हमें रिसीव हुई है या फिर एक्रू हुई है तो वो किसके हैंड से वो टैक्सेबल uh, मानी जाएगी नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डनी रेसिडेंट नेक्स्ट है पास्ट एंड इनकम ब्रॉड टू इंडिया इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ यानी जो पास्ट की अंडक्स्ड इनकम है अगर वो इंडिया में लाई गई है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डरी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट या नन ऑफ दिज तो फ्रेंड्स का राइट right आंसर है डी जो कि है नन ऑफ दी अबव नेक्स्ट है एग्जेमटेड इनकम्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एटीन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टेन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड 20 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तो फ्रेंड्स अभी आपने एक क्वेश्चन किया है तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा इसका राइट आंसर है सी जो कि है 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नेक्स्ट है इनकम एब्सोल्युटली एग्जेम फ्रॉम टैक्स आर लिस्टेड uh, तो so, जो एब्सोल्युटली एग्जाम होती हैं वो किसके अंदर लिस्ट है सेक्शन टू सेक्शन टेन सेक्शन थर्टी एट या सेक्शन एटी सी तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी जो कि है सेक्शन टेन आज की हमारी इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप ग्रांटेड इज यानी स्कॉलरशिप किस तरह की ग्रांट है फुल्ली एग्जेम्प्टेड है फुल्ली टैक्सेबल है पार्शली एग्जेम्प्टेड है या फिर नन ऑफ दी अब तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो रिसीड बिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग यानी कि दाप्य बिल है निम्न में से किसका भाग होता है लेजर का ट्रायल बैलेंस का जर्नल का या फिर फाइनल अकाउंट का तो फ्रेंड्स प्राप्त बिल जो होते हैं वो हमारे जर्नल का पार्ट होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है Why is government interested in accounting information? यानी कि जो government है वो accounting information में interested क्यों होती है यानी उसमें रुचि क्यों लेती है is aware of the business situation in the economy. यानी कि जो सरकार है वो व्यवसायिक स्थिति की जानकारी रखना चाहती है जानकारी होती है उसको Political पार्टीज आर एबल टू कलेक्ट donations. यानी कि political पार्टी जो donations है उसको कलेक्ट कर सकती हैं फॉर हाई टैक्सेशन हाई टैक्सेशन के लिए या फिर फॉर टैक्स असेसमेंट एंड डिफेंस पॉलिसी डिटर्मिनेशन यानी कि कर निर्धारण या फिर रक्षा नीति निर्धारण हेतु तो फ्रेंड्स सरकार लेखांकन इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उनमें इंटरेस्ट इसलिए देती है क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कंट्री के अंदर जो बिजनेस है उनकी क्या सिचुएशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाने में उनको हेल्प मिलती है और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईजली वो उसके लिए एक्शंस ले सकती हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट विड ड्रॉल फॉर परचेज फॉर पर्सनल यूज बाय द बिजनेस ओनर्स यानी कि अगर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से किसी भी तरह की राशि निकालता है तो उसको हम, लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं द कमीशन इंटरेस्ट कैश या फिर विदड्रॉल तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर होगा उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में हमारे ड्रॉइंग्स कहीं भी गिविन नहीं है तो कमीशन तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और कैश cash... कैश भी नहीं होगा तो हम इसका राइट right आंसर मानेंगे डी विड्रॉल कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इस तरह के आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन में आया था तो आपको विड्रॉल ही टिक करना है क्योंकि आप देख लीजिए वैसे आप सबको पता होगा कि ये ड्रॉइंग ही है इसका आंसर लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वो किसी और टर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख सकते हैं तो आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड से देखना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट आते हैं हाउ टू असेस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो लेखांकन के सामान्य सिद्धांत हैं उसकी परख कैसे की जा सकती है कॉस्ट के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी तो फ्रेंड्स लेखांकन के सिद्धांत होते हैं उसका हम परख कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे यानी कि कोई भी जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी है कि हम यूटिलिटी के बेसिस पर उसके उसको असेस कर सकते हैं तो हमारा ऑप्शन सही करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लेजर इज प्रिपेयर्ड यानी कि खाता बही तैयार की जाती है फ्रॉम परचेज बुक ओनली यानी कि परचेज बुक से सेल्स ओनली सेल्स से कैश ओनली कैश से फ्रॉम दी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल यानी कि जो प्रारंभिक लेखे की बहिया और जर्नल से हम पता कर सकते हैं तो फ्रेंड्स खाता बही हम तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल्स यानी कि जर्नल से या फिर हमारे आ, जो हमारे अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं, उनसे हम अपने लहजाओं को प्रिपेयर कर सकते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग किस पर डिपेंड करती है नेशनल इनकम पे एट द एक्सपेंस ऑन फॉरेन एड या फिर वी सेविंग तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की कि वो किस पे निर्भर करती है तो फ्रेंड्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारी निर्भर करती है सेविंग्स पे कि हम कितना सेव करके चल रहे हैं क्योंकि सेव करेंगे तभी हमारी कैपिटल फॉर्मेट होगी उसका फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंटेंस दर्ड अटेनमेंट अटेनमेंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया या फिर उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है ओनली मर्शियल क्रेडिटर्स यानी कि केवल व्यापारिक लेनदार ट्रेडर्स ओनली यानी कि केवल व्यापारिक देनदार कॉमर्शियल एवं प्राप्य बिल या फिर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बिल पेबल यानी कि व्यापारिक लेनदार एवं दे बिल तो फ्रेंड्स पैप पे की हम बात करें तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीवेबल बिल्स क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी देनदार होगा तो वो हमें पैसा देगा तो प्रापे हमारे पास आएंगी और अगर कोई विल्स होगा रिसीव जो हमने किया है तो उससे भी हमारी जो है अटेनमेंट होगा यानी कि हमारे पास कुछ हम रिसीव करेंगे उनसे तो ये दोनों ही चीजों को अटेनमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ डिटरमाइंस वॉट टू डू यानी कि इनमें से कौन हमें निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है हमारी पॉलिसीज हमारा व्यू डिजाइन प्रोसीजर या फिर एक ऑब्जेक्ट तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है ये हमें निर्धारण करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमें एक आउटलाइन मिल जाएगी कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है हमें इस वे में चलना है हमें इसको टारगेट करना है इसको अचीव करना है तो अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर पता होंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी कि हमें क्या कैसे करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बी एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें बी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है तो आपको पता है आपको क्लियर करना है इसलिए आप ये वीडियो देखोगे लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा हमारा आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो क्या है आपको आपका उद्देश्य पता है उसके अकॉर्डिंग आप वो काम कर रहे हो यानी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट यानी कि निम्न में से व्यक्तिगत खाता है बिल्डिंग अकाउंट अकाउंट गुड्स अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट तो फ्रेंड्स अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा बनाए गए होते हैं या फिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है कैपिटल अकाउंट ये हमारा क्रिएट किया गया है और ये एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है प्रिपेड इनकम रिसीव्ड आर यानी कि जो प्रिपेड इनकम है वो रिसीव की गई है तो वो किस तरह की होती है एक प्रॉपर्टी की तरह है एक इनकम की तरह है एक ऑब्लिगेशंस की तरह है या फिर नाइदर ऑफ दी अवर यानी कि इनमें से कोई नहीं है तो फ्रेंड्स अगर हम प्रिपेड इनकम की बात करते हैं तो ये एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक दायित्व होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको रिसीव कर लिया है एडवांस में अब हमें इसके लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी है यानी कि कोई भी आपने इनकम रिसीव किया आपने इनकम तो रिसीव कर ली लेकिन उसके विहाव पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपको वो काम करना है तो यह यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय जो कैश अकाउंट है वो हमारा किससे अफेक्ट नहीं होगा ऑप्शन है कैश पेमेंट टू फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि जो हमने कैश पेमेंट करेंगे वो होगा हमारा क्रेडिटर को ठीक है तो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स डिस्काउंट रिसीव्ड कैश सेल या फिर कैश फ्रॉम डेटर्स तो फ्रेंड्स हमारा जो कैश होगा जो हमारा अफेक्टेड नहीं होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव से हमने किसी भी तरह की डिस्काउंट रिसीव किया है तो उससे हमारे कैश को किसी भी तरह का कोई भी ए, अफेक्ट नहीं होगा वो हमारा जबकि अगर कोई लेनदार यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो उससे अफेक्ट होगा आ, हमने लेनदारों को कोई पेमेंट किया है नगद बिक्री या फिर देनदारों से कोई माल प्राप्त किया है उससे हमारा अफेक्ट होगा लेकिन हमारा डिस्काउंट से कोई अफेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आता है पेटेंट राइट्स पेटेंट जो है वो अधिकार है कौन सा रियल अकाउंट का या फिर पर्सनल अकाउंट, लेजर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली पर्सन अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर शोन यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट शो किए जाएंगे तो कहाँ शो किए जाएंगे इन द ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में इन फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठे में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट तो फ्रेंड्स अगर हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट की बात करें तो ये सारे हमारे शो किए जाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज एन इफेक्ट यानी कि प्रत्येक लेनदार लेन देन का प्रभाव पड़ता है तो कितनी जगह पड़ता है थ्री साइड फोर साइड टू साइड या फिर फाइव साइड तो फ्रेंड्स अगर हम लेनदारों की यहाँ पे बात करें कि वो सॉरी किसी भी लेन देन की बात करें कि कहाँ कहाँ उनका फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है टू साइड वो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बेसिक रूल है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके दो साइड होंगे एक डेबिट साइड होगी एक क्रेडिट साइड होगी वन साइड ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होगा ना ही वो वैलिड माना जाएगा तो ट्रांजेक्शन्स सभी ट्रांजेक्शन के दो साइड होंगे नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मशीन विल भी डेबिटेड यानी कि जो इंस्टॉलेशन किया गया है न्यू मशीन का वो डेबिट होगा इन कैश अकाउंट कैश अकाउंट में मशीन अकाउंट यानी मशीन खाते में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि जो भी हमारा स्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें स्थापना वे में तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नई मशीन को हमने स्टैब्लिश किया है और उसका जो अमाउंट है वो कहाँ डेबिट किया जाएगा तो फ्रेंड्स वो मशीन अकाउंट में किया जाएगा क्योंकि उसका जो अमाउंट है स्टैब्लिशमेंट का उसको मशीन अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है मशीन के प्राइस के साथ तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस यानी कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है यूटिलिटी जर्नलेशन यानी कि उपयोगिता सृजन मेकिंग अ प्रॉफिट लाभ कमाना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर फुलफिलमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाभ कमाते हुए उत्तरदायित्व को पूरा करना डी तो करे तो हम तो हमारा, हमारा करेक्ट है क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी यूटिलिटी क्रिएट करना ये उद्देश्य है लेकिन हमने ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं कह सकते जबकि ऑप्शन में हमारे प्राइमरी उद्देश्य भी दिए हुए हैं तो ये नहीं होगा मेकिंग प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं बनाना ये तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हो और अगर हम सिर्फ सर्विस की बात करें तो वो भी नहीं है, क्योंकि हर करता है करने के लिए। तो ना तो आप प्रॉफिट अर्न करें ना ही आप पूरी तरह से आप सर्विस बेस्ड हो आप ऐसा करें कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड हो सके और आपको भी प्रॉफिट अर्न हो तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है जो की सर्विस की भी बात करता है यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की और साथ ही साथ प्रॉफिट बनाने की भी बात करता है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी वी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय